नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में अगर बात करते हैं दोस्तों, हम श्रेणी रेणुका सुगर लिमिटेड के ऊपर, जहां पे प्राइस चल रहा है 44.90 का। दोस्तों पिछले 5 दिनों में अगर मोमेंटम की बात करें तो 5.97% का दोस्तों मोमेंटम बना है, और 1 मंथ की अगर बात करें तो दोस्तों 4.06% का दोस्तों मोमेंट हुआ है। पिछले 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों, आप सब जानते हैं, और 1 साल के अंदर तो दोस्तों बेहतरीन रिटर्न दिया है। बट हम बात करेंगे दोस्तों, अब क्या हमारा पोजिशनिंग होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे पहले चार्ट के ऊपर चलते हैं और उसके बाद फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे, और रिजल्ट कैसा रहा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास वीकली चार्ट है, और यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर स्विंग लोसों को मैंने कनेक्ट किया है स्विंग हाई के ऊपर, और जो स्विंग हाई है वो 22 अप्रैल 2022 का हाई बनाया था दोस्तों स्टॉक ने, और 63.20 का हाई बनाया था, और स्विंग लो जो है वो हमारा मार्च का है जो पैंडेमिक के टाइम पे बना था दोस्तों। उसका जो 38.2% का रिट्रेसमेंट आता है वो 40.30 आ रहा है। अब 40.30 को दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर देख रहे तो 30 मई को टच करके ऊपर गया था, 27 मई को भी टच करके ऊपर गया था, और दोस्तों 24 जून को भी टच करके ऊपर गया था। ये सुझाव हमें देता है कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लाइन है दोस्तों। अगर यही सपोर्ट लाइन को दोस्तों थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करते तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल भी था एक टाइम के अंदर दोस्तों, और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये स्टॉक तोड़ के बैठा था और फिर मोमेंटम बना था दोस्तों। तो ये रेजिस्टेंस भी था पहले वीकली चार्ट के ऊपर, फिर इसको तोड़ा और फिर वहीं से सपोर्ट ले रहा है, यानी कि 40 रुपीज के प्राइस का आपको अहमियत पता चल गया। तो हम चलते डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों। डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखेंगे, एक दिन दोस्तों आया था तब दोस्तों अच्छा कैंडल बना, हैमर कैंडल बना, और फिर अच्छी तेजी बनी। दूसरे दिन भी हैमर कैंडल बनाया, दूसरे टाइम टच किया तब भी दोस्तों अच्छी तेजी बनी थी, और तीसरी बार दोस्तों बड़ा अच्छा कैंडल तो नहीं बना बट दोस्तों दूसरे दिन पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया था। यानी कि दोस्तों 40 के लेवल को जब भी टच करता है ये स्टॉक, तब 49 के आसपास का लेवल हमें टच करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम 45 के आसपास अभी चल रहे हैं दोस्तों, 44.90 के आसपास। तो जैसे ही दोस्तों 40 के आसपास आपको बाय करने का मौका मिले तो दोस्तों आप ये स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर गिरावट आती है 45 के, 44 का भी लेवल है 44.90 का, अगर गिर के 43-42 आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे जो RSI हमारा है वो अभी दोस्तों 39 पे चल रहा है, वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ जाएगा दोस्तों। अगर ओवरसोल्ड जोन में आता है दोस्तों तो यहाँ पे पिछली बार जो RSI हुआ था वो 20-36 आया था, और उसके बाद हमें अपवर्ड मूवमेंट दिया था। यहाँ पे भी दोस्तों नीचे आया तब दोस्तों 43 का RSI था, 39 का था, और फिर अपवर्ड मूवमेंट आया था, और यहाँ पे भी दोस्तों सेम सिचुएशन थी, 38 के RSI के बाद ही दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट मिला था। तो पॉसिबल है अभी जो हमारा RSI है वो 39 के आसपास है, तो यहाँ से भी अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस बन सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड जो है, जितना नीचे आपको बाय 40 के आसपास बाय करने का मिले वो आप कर सकते हैं। क्यों 40 के नीचे आए तो बाय करने को मैं बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे का रीजन है दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2173 का दोस्तों मार्च 2022 का प्राइस, मार्च 2022 का रिजल्ट है, और यहाँ पे दोस्तों गिरावट आई है रिजल्ट के अंदर, सेल्स दोस्तों डाउन आया है दोस्तों, ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी कटौती आई हुई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो दोस्तों 3% के ऊपर कर रहा है, और जो इंटरेस्ट जो इस कंपनी का हेडेक है वहां पे 124 है इंटरेस्ट, और ओवरऑल दोस्तों लॉस में चली गई है इस क्वार्टर के अंदर। वैसे दोस्तों जून का जो क्वार्टर होता है वो हर साल कंपनी लॉस ही दिखाती है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, और वैसे भी लॉस मेकिंग कंपनी है, बहुत सारा लॉस इन्होंने पहले भी दिखा है। बट दोस्तों FII जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आप नजर डालोगे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 62.48% का, और FII के पास जो होल्डिंग है वो दोस्तों कंटिन्यूस बढ़ा रहे। सितंबर 2021 में जो होल्डिंग था 1.61% था, दिसंबर 2021 में होल्डिंग था 2.06% था, और मार्च 2022 में होल्डिंग था 2.12%, और जून में 2.66% का होल्डिंग था। DII की अगर बात करें तो दोस्तों कंटिन्यूस वो अपना होल्डिंग बेच रहे हैं, और काफी अच्छी तादाद में उन्होंने घटा दिया है, अब 9.68% का होल्डिंग बचा है, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 25.18% है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि DII और FII दोनों विपरीत चाले खेल रहे हैं, और श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के अगर आप बात करें मार्केट कैप के ऊपर 9557 करोड़ का मार्केट कैप है, सामने डेप देखिए दोस्तों 5216 करोड़ का है दोस्तों। आप सबको पता है दोस्तों शुगर कंपनियां जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन दिया था दोस्तों इथेनॉल ब्रीडिंग के ऊपर, और श्री रेणुका शुगर वहाँ वो भी इथेनॉल मेकिंग बनाती है, और उसके ऊपर कैपेक्स भी किया है कंपनी ने,
तो अगर वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है और सेक्टर पे अच्छा रुझान है, इसलिए दोस्तों है चर्चे में। बाकी दोस्तों बहुत ही ज्यादा डेब्ट लेडन कंपनी है ये। दोस्तों ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूअस 2019 के बाद कंटिन्यूअस सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, और एक्सपेंस जो है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक तो दोस्तों लॉस ही दिखा रही है कंपनी, उसमें कोई बेमत नहीं है, बट लॉस जो है वो नैरो डाउन हो रही है। ये टर्न अराउंड स्टोरी की हम बात कर रहे थे, तो ये स्टॉक जो है वो टर्न अराउंड स्टोरी में आ सकता है, क्योंकि पहले जो लॉसेस थे दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि बहुत ही ज्यादा थे दोस्तों, बट अब जो लॉस है वो कम होने की संभावनाएं हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का फोकस है तो उसकी वजह से दोस्तों ये स्टॉक में थोड़ा सा फोकस आपका बनता है, और एफआईआई भी फोकस कर रहा है। मोर ओवर दोस्तों रेणुका शुगर का जो स्टॉक है उसको अदानी ग्रुप बाय करने की बातें पहले अप्रैल 2022 में आई थी, और उससे पहले अदानी ग्रुप का जो बाई करने का मूड था रेणुका शुगर को, वो दोस्तों 2018 में भी आई थी। ऐसा नहीं था कि दोस्तों 22 में आई, उससे पहले 18 में भी आई थी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है क्या अदानी ग्रुप रियली इस ग्रुप को बाय करना चाहता है कि नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप हाँ बाई करेगा तो दोस्तों बहुत ही सडनली आपको अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा, और 200% के टारगेट आपको आने वाले टाइम के अंदर मिल सकते हैं। बट दोस्तों अगर वो नहीं भी करता है तो यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट लेवल जो 40 का लेवल है, तो वहां पे बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर जितना भी 40 के आसपास आए तो हमने जो स्ट्रेटेजी बताई उस हिसाब से आप करके बहुत ही बढ़िया रिटर्न आप आने वाले टाइम के अंदर बना सकते हैं। दोस्तों ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपका क्या व्यू है रेणुका शुगर के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।